इरफान हम हिंदुस्तानियों का दुलारा कलाकार। इरफान का शरीर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन काम पीछे है, यादें हैं और उन यादों को संजोने वाले दोस्त भी। इरफान के ऐसे ही एक दोस्त से हमने बात की, अशोक लोखंडे से। अशोक इरफान के एनएसडी के दिनों के साथी हैं, 1987 पास आउट बैच। अशोक खुद भी एक्टर हैं, काफी फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुके हैं। आप उन्हें सीरियल दिया और बाती के भावासा के रूप में जानते हो, फिल्म रमन राघव में भी देखा होगा। हमने उनसे इरफान के शुरुआती दिनों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने हमें खूब समय दिया, दिल खोल कर बातें की, कभी हंसे तो कभी इमोशनल हुए। जानिए कि एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे याद करता है। तीन कामयाब प्ले करने का नतीजा ये हुआ कि हम लोग हवा में उड़ने लगे, कि हमने कोई बड़ा तीर मार लिया है। सेल्फ रोमांटिसिज्म, सेल्फ प्राइड के चक्कर में फंस गए। दरअसल हम कामयाब थे पर कोई अलग नहीं थे। वही सब हरकतें किया करते थे जो 20-22 साल की उम्र में सब करते हैं। रात रात भर जागना, थिएटर में ही सो जाना, सिगरेट फूंकना, रोमांटिक बातों में उलझना, झगड़े भी चल रहे हैं, कॉमेडी भी हो रही है, वगैरह वगैरह। सेकंड ईयर तक आते आते इरफान और सुतपा करीब आए। हमारी क्लास में दो कपल बने, भारती विपिन और इरफान सुतपा। इरफान, मैं, अमित और आलोक को सुबह सुबह क्लास में जाना बहुत भारी पड़ता था। हम रात को 2-2 बजे तक डिस्कशन करते और सुबह जा नहीं पाते। सिर्फ लड़कियां और एक्स्ट्रा सिंसियर लड़के ही जाते थे। फिर हमको सजा भी मिलती थी। एक बार तो हमें एग्जाम से निकाल भी दिया था। ऐसे में इदरीस ने हमारी मदद की, वो जाता था और हमें अलग से सिखाता था। बात ये थी कि सेकंड ईयर तक आते आते हम सिर्फ एक्टिंग पर ही फोकस करने लगे थे। सुबह जाकर योगा करना हमारी समझ में नहीं आता था। ऐसे ही सब चल रहा था। हम अपने आप को महान एक्टर्स की श्रेणी में डालने के लिए छटपटाते रहते थे। ऊपर से पैसे की हमेशा कमी रहती थी। जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो सब खाने पीने में ही चली जाती थी। 400 रुपये मिला करते थे, कई बार जेब से भी देने पड़ते थे, तो पैसे कमाने के जुगाड़ सोचते। एक बार हम तीन लोगों को एक मेकअप का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इरफान, मुझे और कश्मीरी बशीर को, YMCA में। उनका ईसा मसीह का कोई प्ले था, ईस्टर पर। हम 3 दिन लगातार चुपके से वहां गए अपना मेकअप बैग लेकर। हमको प्रति व्यक्ति 50 रुपये रोज मिले, यानी 3 दिन के 150 रुपये। हमारे लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था। पार्टी हुई, अधे पौवे भी खरीदे गए। ऐसे ही हम दूरदर्शन में भी चले जाते कभी कभार, 100-150 रुपये कमाते। जैसे कोई प्ले चल रहा है तो दरबान बन गए, भीड़ में खड़े होकर जोर जोर से हंसने का काम किया, वगैरह वगैरह। अक्सर हम टीचर्स की नकलें उतारते कि क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वगैरह। इसमें सुतपा भी शामिल रहती, कॉमेडी चलती रहती। लेकिन दो टीचर बाहर से आए जो हमारे जीवन में बहुत अहम रहे। एक तो पेनी कैस्टेगली थी, यूके की, जिनसे हमने महीना भर तक सीखा। उसके बाद आए एक हेलमिश नाम से, फ्रांस से आए थे। वहाँ से हमारा एक्टिंग का अप्रोच बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग में चला गया। इरफान को जो चीज़ें सता रही थी कि रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है, इसका जवाब मिल गया। जैसे कोई दो बंदे बातचीत करते वक्त एक बोलता है, दूसरा सुनते वक्त बीच बीच में हाँ हूँ बोलता रहता है, तो वो जो है जवाब भी दे रहा है, अगले की बात भी सुन रहा है और उस पर सोच भी रहा है। इतनी गहराई में घुसना सिखाया उन्होंने हमें। कंसंट्रेशन का क्या अर्थ है, प्ले में कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, ये इरफान के बेसिक सवाल थे। और जिन जिन लोगों ने इससे सीखा वो बेहतर एक्टर बने। बाहर की फिल्मों का रियलिज्म और इंडियन फिल्मों के रियलिज्म में हम कन्फ्यूज रहते थे। हमारे यहाँ क्यों अच्छी फिल्में ज़्यादा नहीं बनती, क्यों बाहर की फिल्में ही हमें देखनी पड़ती हैं, जैसे सवालों से हम जूझते रहते। रियलिज्म का सोर्स ढूंढने का जो इंस्टिंक्ट डेवलप किया इरफान ने, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे नहीं लगता कि हमारे बैच के अलावा उससे पहले भी और बाद में भी किसी ने इतना ठहर कर सोचा होगा जितना इरफान सोचता था। लेकिन ये सब अभी जब मैं रेट्रोस्पेक्ट करने पीछे जाता हूँ तो मुझे दिखता है, उस समय तो हम मजाक ही उड़ा रहे होते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं और इरफान रिएक्ट कर रहा है कि ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये चीज जो है दिखावे के लिए कर रहे हो, वगैरह वगैरह। वो एक एक चीज अलग अलग करके बताता था।
ये बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं रहती थी। इरफान इन पर हमेशा डटा रहता था। उसी चक्कर में एक प्ले को इरफान ने बर्बाद करके रख दिया था। कॉमेडी प्ले था, उसमें जो कैरेक्टर इरफान ने किया उसके लिए खास तरह का रिदम, एक खास तरह की टाइमिंग जरूरी थी, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं थी। उसमें भी इरफान बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा था। हम मजाक उड़ा रहे थे कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन ये है कि लगा हुआ है। अब समझ में आता है कि उसके ऐसे करने के पीछे बहुत गहरी बात है। उसने एक धागा पकड़ा था रियलिज्म का, जो किसी हाल में नहीं छोड़ा। चाहे उसका क्रिटिसिज्म हो, चाहे लोग हंसे, प्ले छोड़कर चले जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि आगे चलकर उसकी कुछ स्क्रिप्ट वाइज कमजोर फिल्में भी उसके होने भर से अच्छी लगती हैं। असल में इरफान ने एक अलग तरह का सेंस ऑफ ड्रामा खुद के अंदर डेवलप किया। आप रियलिस्टिक करते जाइए, हमारे इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर करते भी हैं, आपको हॉलीवुड लेवल की एक्टिंग लगेगी, लेकिन अंदर से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इरफान का ऐसा नहीं था, अपना सेंस ऑफ ड्रामा उसने अलग से ढूंढ लिया था। सबसे पहले तो उसने क्लीशे को ख़त्म कर दिया, इसी की वजह से उसकी नकल करना लगभग असंभव है। अपनी पूरी एक्टिंग की ज़िंदगी में मैं मोस्ट कंफर्टेबल सिर्फ इरफान के साथ ही रहा। उसके नेचुरल रिएक्शन से हम भी नेचुरल एक्टिंग करने लगते थे, इतनी उसकी खुशबू फैल जाती थी। मैंने उसके साथ आगे चलकर बनेगी अपनी बात, नया दौर, चाणक्य जैसे सीरियल किए। मोस्टली उसका और मेरा सीन होता था तो हम बहुत रिलैक्स होते थे, हमारा पिकअप पॉइंट अलग ही रहता था। कैरेक्टर की डेप्थ इरफान की पकड़ में तुरंत आ जाती थी।